नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवीपी रिव्यूज में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इन स्पार्क्स के कैजुअल शू का, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। इन्हें जो है मैंने 10 दिन पहले खरीदा था फ्लिपकार्ट से, और 10 दिन के बाद जो मैं इसका रिव्यू करके आपको जो बताने वाला हूँ कि शू मुझे कैसे लगे इस्तेमाल में, यूज में, और आपको ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो चलिए इसका रिव्यू जो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग दिखा देता हूँ, किस तरह की पैकेजिंग में जो ये मुझे मिला था। तो इस तरह के जो है बॉक्स में आया था, जो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, फ्लिपकार्ट की ये पैकेजिंग है। इस तरह के बॉक्स में आया था, बॉक्स में जो है शू थे इस रैपिंग में लपेटे हुए, ये उसकी स्टफिंग थी शू की, और शू में जो है ये स्टिक थे ऐसे प्लास्टिक के, ताकि शू जो है ऐसे पूरे तरह से बैंड ना हो जाए। और साथ ही ये जो है ये बैग थी स्पार्क्स की, उसके अंदर बॉक्स के अंदर बस और कुछ नहीं था। और अभी मैं इसका आपको बिल बता देता हूँ। ये जो है ये इसका बिल है, शू का बिल है ये। टोटल MRP है 588 रुपीज़। और ये जो है मैंने 8th ऑफ अक्टूबर को लिए थे, आज जो है 10th ऑफ अक्टूबर है। तो आफ्टर 10 डेज ऑफ यूज़ मुझे कैसे लगे ये आपको झट से अभी बता देता हूँ। तो 588 रुपीज़ में याद रखिए, ज़्यादा महंगे नहीं है, उस हिसाब से जो है मैंने खरीदे। और स्पार्क्स के ब्रांड भी आपको मिल रहा है 588 रुपीज़ में। तो कैसे है शू मैं आपको बता देता हूँ अभी झट से। तो इस तरह के जो है शू दिखने में है, ये मैंने 10 दिन यूज़ किया है, इसलिए इनका रिव्यू जो है फ्लोर पे कर रहा हूँ, क्योंकि शू मैंने धोए नहीं है, वैसे ही जो है गंदे जो है शू मैं रिव्यू कर रहा हूँ, नीचे से पूरे गंदे हैं, इतने साफ़ नहीं किए क्या, ताकि मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे यूज़ करने के बाद जो आपको दिखने मिलेंगे, कलर कैसा उसका डल हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से जो शू जो है दिखने में है इस तरह से, ये जो है ऊपर से पूरा जो है रबर है, क्लॉथ नहीं है ये, रबर है। यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट है, ये इसका नीचे से सोल है, इस तरह का सोल है, ये पैटर्न मिलता है हमें ग्रिप के लिए नीचे सोल पे। फिर यहाँ पे जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताई गई है इसके बारे में, शू के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यूरोप साइज, US साइज के बारे में बताया है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा है, जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडिया में हुई है। और यहाँ पे जो स्पार्क्स लिखा है, गो फॉर इट, SM323 इसका आर्टिकल नंबर है, मॉडल नंबर है। और ये जो साइज जो है मैंने नंबर 10 खरीदा है, बड़ा ही साइज लेंगे आप तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं नॉर्मली नंबर 9 पहनता हूँ, लेकिन मैंने नंबर 10 ऑर्डर किया और ये मुझे ऑलमोस्ट आ रहा है, बहुत कम गैप जो इसमें रह रहा है। ऐसा नहीं कि आप 9 पहनते हो, अगर आपने इसका 10 ले लिया तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, एक साइज़ बड़ा ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर जो इसकी लेस आपको दिखा देता हूँ, बहुत लंबी है, अभी मैंने इसे ठीक से ये किया है तो भी इतनी लेस जो इसकी बच जाती है, ऐसा नहीं कि आपको लेस जो है कम मिल रही है। यहाँ पे स्पार्क्स लिखा हुआ था, लेकिन लेस जो है मैंने पहन पहन के जो है लेस के वजह से जो है थोड़ा स्पार्क्स निकल गया है लिखा हुआ। कुशनिंग बताता हूँ अभी, इसमें जो कुशनिंग है बहुत कम है, यहाँ पे कुशनिंग है ही नहीं आगे में, यहाँ पे पीछे साइड में अच्छी सी कुशनिंग दी गई है। नीचे जो है सोल है इसका, मैं थोड़ा ये ऊपर वाला जो हिस्सा है निकाल के दिखाता हूँ, ये वाला जो है सॉफ्ट वाला है, और ये जो है ये हार्ड वाला है। और नीचे कुछ इस तरह से जो हमें शू देखने मिलता है, यहाँ पे अच्छे से स्टिचिंग दी गई है जो इजीली नहीं निकलेगी, आप कितना भी हार्ड यूज़ कर लो इसे भाग दौड़ में वगैरह, उतनी टफ जो है अच्छी जो है इन्होंने स्टिचिंग यहाँ पे कर रखी है। ये नीचे का सोल है, इसमें ऐसे स्क्वायर स्क्वायर दिए गए पैटर्न में, ये जल्दी दब जाते हैं, मतलब नॉर्मली मैंने लास्ट टाइम भी एक जूते खरीदे थे, उनके जो एक दो महीने में जो ये सोल जो है नीचे वाला दब गया था, तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे जो जूते वाले का सोल होते हैं उसमें एक दो डाल के जो है वापस मैंने हाइट ठीक कर ली थी शू की, तो ये थोड़ा दबने के बाद आपको समझ जाएगा। लेकिन इसके जो है 10 दिन में मुझे कुछ इतने दबे हुए नहीं लगे, ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा था जब जैसे मैंने पहले दिन इन्हें खरीदा था और पहना था, वैसी हाइट लग रही थी मुझे शू को पहनने के बाद, ऑलमोस्ट इतना इतना जो इसका सोल ही है, अगर आप मेजर करने जाए इसे ये सोल को, तो इतना गहरा है, तो ऑलमोस्ट इतना इतना जो इसका सोल है यहाँ से नीचे तक ये पूरा, तो हाइट में भी ठीक ठाक सा सोल है इसमें, ऐसा नहीं कि बहुत चपटा सोल है या फिर सोल के अंदर आपका पूरा ये पैर जा रहा है वगैरह, अच्छा है कि सोल के ऊपर जो है आपका इसमें पैर रहता है। लेकिन सोल अगर और बेहतर होता कुशनिंग के साथ, थोड़ा टफ ऐसे गैप ना होते हुए, तो और बेहतर होता, लेकिन ठीक है 588 रुपीज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा। नॉर्मली आप अगर जूते खरीदने जाए ऐसे भी तो आपको अबव 600-500 आएंगे, और ये तो एक ब्रांड का शू हमें मिल रहा है, पीछे से एक्स है स्पार्क्स का, इस तरफ कुछ नहीं है,
ये बस यहाँ पे पैटर्न है, ये जो है ये मेटल है, ये जो रिंग है लेस के बीच में, तो ये मेटल की है, तो अच्छी बात है कि जल्दी ये फट नहीं जाएंगे, कपड़े के होते हो जल्दी फट जाते हैं वगैरह, तो उसमें भी कुछ इशू नहीं आएगा। तो इस तरह के शू है, मैंने रेगुलर यूज़ किए है, काम पे यूज़ किए, अपने बाहर घूमने में यूज़ किए है, तो कंफर्टेबल ठीक ठाक है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक ठाक से कंफर्टेबल है और अच्छे से चल रहा है, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, दौड़ने में कुछ दिक्कत नहीं आ रही, ग्रिप अच्छी है इसकी। अब चाहे आप मॉल में घूमो, रोड पे चलो, रोड पे तो ग्रिप होती है, मॉल के जो फ्लोर होता है उस पे चलो या फिर कहीं पे भी चलो, ग्रिप अच्छी खासी मिली जाती है, ज़्यादा सरकते नहीं है जूते। एक दो दिन बारिश भी हुई थी, बारिश में भी मैंने थोड़े से पहने, बारिश में तो इनकी वाट लगी जाएगी, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा स्लिपरी वगैरह थे नहीं, और मैंने पूरे पूरे भिगा ही नहीं थे, थोड़े थोड़े पानी में गीले हो गए थे, तो उस हिसाब से भी सही है। और इन्हें धोना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ओले जो गीले जो कपड़े से इन्हें पोंछ वगैरह सकते हैं, अभी ये गंदे हो गए, मैं गीले कपड़े से पोंछूंगा, क्योंकि पहले जो मेरे शू थे इससे वो गीले कपड़े से, मैं गीले कपड़े से पोंछने के अलावा मैं उन्हें जो है पानी में डाल के वगैरह धोता था, तो उसकी जो है स्टिचिंग जो है ये निकलना शुरू हो जाती है, तो धोना नहीं चाहिए शू को, ऐसे ऊपर से पोंछ लिया कीजिए। ये बिना पोंछे मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ, ताकि मुझे बताना था आपको कि 10 दिन में जो है कैसे ये शू चले हैं, कैसा क्या परफॉर्म कर रहे हैं उस बारे में। तो इस तरह से जो ये शू अच्छे हैं, 58 रुपीज़ में स्पार्क्स के शू। इनके कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, तीन कलर, तीन तरह के इसके कलर्स है, आप जाके फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं, स्पार्क्स SM323 इन शूज़ को। तो यही था मेरे इन शू का रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए जिन्हें शू खरीदने, और सबसे जरूरी जो है आपको यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब